और दोस्तों आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये है हेमली स्टोर। कसम से बोल रहा हूँ यार, मजा आ गया ये मॉल में आके। आइए सु दादा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आज हमारे चैनल पे 400 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो लोग हमारा फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं। सो आप भाई करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, पूरे दम से करना चाहिए। जल्दी जल्दी मन के भी पूरा कर दो, वेट कर रहा हूँ उसका। थैंक्स कृष्णा और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं किया ना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों जिन लोगों ने सिटी सेंटर मॉल का पार्ट वन नहीं देखा है, मैं उन लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्ट वन भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं देखेंगे तो आपको इस पार्ट का बारे में ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सेकेंड फ्लोर से कंटिन्यू होने वाला है। तो सॉरी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिटी सेंटर का वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया। डिले इसलिए हुआ क्योंकि भाई लगातार मैं बहुत सारा व्लॉग शूट कर रहा हूँ और सबका व्लॉग शूट करते करते आप तो जानते हैं एक व्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो व्लॉग शूट करते करते मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे एडिट करने को भी टाइम नहीं मिला और अभी थोड़ा देरी हो गया गाइस, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब ये वीडियो आ चुका है। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। दोस्तों तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर। भाई अलग अलग स्टोर का अलग ही स्मेल है यार, यहाँ का बात ही कुछ और है। और इसे नॉर्थ ईस्ट का बिगेस्ट मॉल किसलिए कहा जाता है ये आज पता चला और आप लोग को भी आज ही पता चलेगा। दोस्तों तो हम लोग सेकंड फ्लोर में अभी पहुँच चुके हैं एंड यहाँ आप लोग को अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे ये है पूमा का स्टोर और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग कंपनी का और अलग अलग ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ शॉप के ओनर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने शॉप में घुस के व्लॉग बनाने का मुझे परमिशन दिया, सो थैंक यू सो मच। और भाई गुवाहाटी में हो और सिटी सेंटर नहीं आया ना, तो क्या कर रहे हो यार? आओ घूमो, एंजॉय करो, कुछ खरीदो या मत खरीदो लेकिन आओ एटलीस्ट घूम के जाओ। 12 सेकंड्स लेटर। तो दोस्तों अगर आप लोग सिटी सेंटर में सेकंड फ्लोर में आते हैं तो आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छा दुकान और ये दुकान स्पेशली जाना जाता है ब्लेजर्स के लिए और शेरवानी के लिए। और आपको शूट्स मिलेगा, पार्टी वेयर्स, कुर्ताज मिलेगा, सो ओकेशन वेयर पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, एथनिक्स ओकेशन, शादी का पूरा सेट मिल जाएगा फॉर मेंस के लिए। और जैसा कि आप अभी शादी का सीजन चल रहा है तो जो लोग का शादी है सबसे पहले तो हैप्पी मैरिड लाइफ, और जो लोग शादी के लिए शेरवानी या कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जरूर यहाँ पे विजिट। दिस इज द राइट प्लेस फॉर द वेडिंग कलेक्शंस एंड ये नॉर्थ ईस्ट का फास्ट स्टोर है, एथनिक स्टोर रेमंड से। सो नॉर्थ ईस्ट फास्ट स्टोर इन गुवाहाटी सिटी सेंटर मॉल, ये एक ही स्टोर है नॉर्थ ईस्ट, ओनली वन इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट। यस अमेजिंग यार, बेस्ट कलेक्शन मिलेगा और रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। वी हैव स्टार्ट शेरवानी फ्रॉम 10,000 शूट्स, देखो हमें मिल रहा है 12,000 एंड लॉट ऑफ कुर्ताज, वी हैव कैजुअल वेयर आल्सो इज देयर विद अस एंड मच मोर थिंग इज अवेलेबल आउट हियर। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड यू कैन आल्सो परचेस द प्रोडक्ट्स एट वेरी रीजनेबल प्राइस। बुझ गए ला, यू कैन कांटेक्ट मी, आई एम द स्टोर मैनेजर गोपाल, सो माय नंबर इज 6000503020, यू कैन कॉल एंड यू कैन टेक द ऑल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, कॉल करो कॉल। और अगर आप लोग आ रहे हैं ना सिटी सेंटर, अगर आप लोग को शेरवानी कुर्ता कुछ भी चाहिए तो ज़रूर गोपाल भैया से मिलिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ यार आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे आके। अगर आप लोग का शादी वादी है तो क्या कर रहे हो यार, आओ परचेस करो। और जिन लोग का शादी है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से हैप्पी मैरिड लाइफ। आशा करता हूँ कि आपका शादी का पूरा जीवन सुखी हो और अच्छा से बीते। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, आप ये परमिशन दिया आके शूट करने के लिए। और आपका दुकान इतना अच्छा है कि मैं तो बोलता हूँ मेरा वीडियो देख के अगर कोई नहीं आया ना तो भाई बहुत बुरा मान जाऊँगा मैं,
कसम से बोल रहा हूँ, आ जाना प्लीज। बोले दोस्तों, तो ये था एथनिक वेयर्स बाय रेमंड, और अब हम लोग चलेंगे अलग अलग स्टोर में। और मैं आपको बता दूँ यार, ये देखिए एक लड़की लोग का स्टोर है और इस स्टोर का नाम है ओरिला, एंड मज़ेदार है यार। अगर मेरे बहन मेरे साथ होती ना, कसम से बोल रहा हूँ यार, उसका पसंद का जो जो आइटम है ना, वो जो जो खोजती रहती है कि भैया ये दे दे, भैया वो दे दे, सब कुछ है कसम से। वो तो अच्छा हुआ आज उसका ट्यूशन था, नहीं तो आज मेरा पॉकेट खाली हो जाता। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पे जितना भी दुकान है सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं और सब अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनाए गए हैं, कसम से कह रहा हूँ यार। वो जो भैया ने दिखाया और यहाँ पे अभी जितना भी लड़की लोग का जो स्टोर, अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा पैसा लेके आओ, अच्छा सा खर्चा करो, और खर्चा नहीं भी कर रहे हैं ना तो आओ यार, एटलीस्ट घूम के जाओ, ये देखो कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आप ज़रूर बहुत ज़्यादा परचेस कर पाए। और दोस्तों, सेकंड फ्लोर में जब आप फैमिली स्टोर का पास आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा टॉय ट्रेन, और ये बच्चे लोग में तो काफ़ी पॉपुलर है। अगर सिंगल पर्सन का चार्जेस बोले तो सिंगल पर्सन का चार्जेस है 100। यहाँ पे बड़े भी घूम सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, यह बहुत ही अच्छा बात है यार, कसम से बच्चे लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो। और दोस्तों, जैसे ही आप फैमिलीज का पास पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा किड्स आइलैंड, और यहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इसका चार्जेस है 150 फॉर हाफ एन आवर, एंड ईच पर्सन का रेट फिक्स है 150। और दोस्तों, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये है हेमली स्टोर, और यहाँ पे बच्चे लोग का सब टॉयस एंड प्रोडक्ट्स मिलता है, और यहाँ पे बैग हो गया, गिफ्ट हो गया, सब कुछ मिलता है। और मैं क्या बोलूँ यार, कसम से बोल रहा हूँ यार, अगर आप लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा यहाँ पर, कसम से आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर जब भी आएंगे तो। पीछे सुपर स्टॉप, और ये है मिनी क्लब। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और आगे क्या क्या है वो दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों, और एक चीज़ है बच्चों के लिए जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, और मैं बोल रहा हूँ आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, लड़की लोग का स्टोर है, जो बैग्स होता है वो सब है, एंड ये बच्चे लोग का शूज़ है, और यहाँ पर घर के सामान सब है, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, और बस ख़रीदने वालों की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग का ज़रूरत है, आइए यहाँ से परचेस कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जाएंगे थर्ड फ्लोर पे, तो चलिए मेरे साथ। और दोस्तों, जैसे ही आप थर्ड फ्लोर में पहुंचते हैं तो वैसे ही आपको एस्केलेटर का सामने ही आपको मिल जाएगा किडी राइड्स, और यहाँ पे बच्चे लोग कार, बाइक सब कुछ राइड कर सकते हैं, ओनली वन राउंड। और उसका क्या चार्जेस है ये सब दादा बताएंगे। वन राउंड को ले 100 रुपीज़, एक राउंड करने का 100 रुपीज़, एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है, 100 है सिर्फ वन राउंड का। और इसी के बारे में बात कर रहा था, यही था सरप्राइज बच्चे लोग के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर यहाँ पे आप लोग आते हैं तो इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा, कसम से कह रहा हूँ आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और दोस्तों, दादा ने मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू दादा। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर में क्या क्या शॉप्स अवेलेबल है और यहाँ पर क्या खास है, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप लोग मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये लड़की लोग का शॉप है, लुक सैलून नाम है इसका,
और यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे थ्रेडिंग से लेकर जो स्पा होता है और लड़की लोग का जो भी कुछ होता है मुझे उतना डिटेल्स में पता नहीं है, सॉरी गर्ल्स, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग कई चीज़ें, हम लोग को तो बस हेयर कट कराने से और दाढ़ी बना लेने से ही काम हो जाता है। तो लड़की लोग को जो भी कुछ करवाना हो तो यहाँ पे आप आके करवा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे चार्जेस थोड़ा सा हाई हो, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं अंदर गया नहीं। आप आइएगा तो आप आके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा क्या प्राइजेस है क्या नहीं है, आप एक बार ड्रंक के शॉप ओनर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो जब आप थर्ड फ्लोर पे आते हैं तो आपको मिलेगा टाइम जोन, और मैं आपको बता दूं यार, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही वैरायटी के गेम्स है, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। चार्जेस और अलग अलग गेम का क्या रेट है ये दुकान के शॉपकीपर बताएंगे आपको। दोस्तों और एक बात बता दूं, अगर आपका बच्चा को आप अगर हंसते हुए देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका खुशी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप आते हैं, अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि आपका बच्चा मुस्कुराए तो यहाँ पर ज़रूर रहिएगा। हाँ, यहाँ पे मिनिमम 500 का कार्ड बनता है। ओके, 500 कार्ड बनने के बाद ये जो कार्ड है ये 1 ईयर वैलिड रहता है, बट रिफंड नहीं होता है। और गेम का जो रेट है वो सब अलग अलग है, सपोज 45, 50, 60, 70 ऐसे टाइप का है। तो आप जो गेम खेलेंगे उसके हिसाब से बैलेंस सब डिडक्ट होता है ऐसे। और ऑफर रहता है, अभी ट्यूसडे को हमारा हम लोगों का जो है हाफ प्राइस रहता है, गेम्स जो सब है ना वो हाफ प्राइस रहता है। और बाकी थर्सडे को हम लोगों का 99 बोलिंग होता है, और वीडियो गेम्स जो सब है वो 9 रुपीज़ होता है। नहीं, हाँ सबका अलग है। टाइमिंग 11 बजे से और 9 बजे तक ओपन रहता है हम लोगों का। एक बार कोई अगर खेलना चाहे तो मतलब कितना देर तक खेल सकते हैं? ऐसा हम बता नहीं सकते क्योंकि गेम वाइज रेट है। अब अगर आप एक गेम खेल के थोड़ा टाइम बैठ के भी और खेल सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है, बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बैलेंस है तब तक आप खेल सकते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो नहीं खेल सकते। अगर बैलेंस है तो रिचार्ज भी मिनिमम 500 ही होता है ऐसे। थैंक यू सो मच दादा फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों ये था टाइम जोन का एक्सपीरियंस, और
कसम से बोल रहा हूँ यार, मज़ा आ गया ये मॉल में आके। ये जो एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं लास्ट टाइम बिग बाज़ार में लिया था जब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन अभी बिग बाज़ार में वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आया ना तो पुराना यादें ताज़े हो गए यार, कसम से यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं और आप पीछे देख सकते हैं मेरा है फूड कोर्ट है, इसका नाम है फ्लेवर रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं और चार्जेस मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लेवर्ड फूड कोर्ट, और यहाँ पे अलग अलग स्टोर है और अलग अलग टाइप के फूड्स मिलते हैं। अगर आप लोग शिलोंग के खाना के दीवाने हैं तो शिलोंग के भी खाना खा सकते हैं, आप लोग एसएमएस खाना खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, और क्या क्या खा सकते हैं मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो प्लीज़ आओ, खाओ और एन्जॉय करो। दोस्तों मैं अभी लोकल फूड स्टोर के सामने खड़ा हूँ, और यहाँ इस स्टोर का खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जितना लोकल फूड है सब अवेलेबल है यहाँ पे। आपको क्या खाना है? चाउमीन, पोर्क रिब्स भी है, और बहुत सारे ऐसे फूड है जो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। तो अगर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट का खाना खाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे आइए और एक बार टेस्ट कीजिए यार, अच्छा लगेगा आपको भी। देखो मुस्कुरा रहे, देखो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है वो। समझ रहे हो आप? Many months later. और दोस्तों व्लॉग बनाते बनाते मुझे भूख लग गया, तो मैं अभी आया हूँ पिज़्ज़ा हट के बाहर में, और मैंने ऑर्डर दिया है तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, दादा ने मेरा ऑर्डर ले लिया है, थैंक यू दादा। थोड़ा देरी बाद में मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा, तो चलिए वहाँ पे बैठता हूँ मैं। और आप ये देखिए कि मैं कैसे पिज़्ज़ा खाता हूँ, बहुत दिन हो गया पिज़्ज़ा खाया हुआ, आप भी बहुत दिन से नहीं खा रहे होंगे, तो आप मेरे साथ खाइए डिजिटली। तो चलिए बैठते हैं और इंतजार करते हैं पिज़्ज़ा का। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। Later that same evening. दोस्तों मैं सोच रहा था कि पिज़्ज़ा यहाँ पे खाऊं, लेकिन अभी प्लान में चेंज है। प्लान इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 9 और मुझे घर पहुँचना है, और मेरे बहन लोग बोल रहे हैं कि भाई लेके आ, तू अकेला मत खा, मेरे लिए भी लेके आ। तो मैं सोचा कि घर में ही जाके खाऊं, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा अब घर। The next morning. आइए सो दादा। तो दोस्तों मैंने अपना पिज़्ज़ा ले लिया, ये देखिए मेरे हाथ में है, और अभी वापस हम लोग चलेंगे नीचे, और नीचे सूरज भैया को थैंक्स बोलेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। Moments later. और दोस्तों ये मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये मी स्टोर। जब ये मी स्टोर ओपन हुआ था तब मैं आ नहीं सका था, मेरे दोस्त लोग आए थे, क्योंकि हम लोग सब मी फैन क्लब मेंबर्स है, तो हम लोग को फ्री में इन्वाइटेड थे हम लोग, लेकिन मैं इतना बिजी था कि मैं आ ही नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, आज देख लिया फाइनली, अच्छा है यार, काश उस दिन आया होता तो मैं भी न्यूज़ में आया होता। और दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ओप्पो स्टोर, ओप्पो और शाओमी दोनों एक साथ ही है,
मतलब अगर ओप्पो का जगह अगर रियलमी होता तो ज़्यादा सही लगता बोलने में, क्योंकि शाओमी और रियलमी एक दूसरे का राइवल्स है। दोस्तों अगर आप लोग बुक्स के शौकीन हैं, अगर आप लोग को नोवेल या इंग्लिश बुक्स पढ़ना कुछ भी पढ़ना पसंद है तो ये दादा का दुकान में ज़रूर विजिट कीजिएगा। थर्ड फ्लोर एम एस स्टूडियो एंड ओप्पो स्टोर के अपोजिट में है इनका दुकान। तो यहाँ आपको अगर नोवेल चाहिए या बुक्स चाहिए, जो भी इंग्लिश का बुक्स चाहिए, अगर आप लोग को पढ़ने का कीड़ा है तो ज़रूर आइए, तो दादा से ले लीजिए बुक्स। घर में जाओ, पढ़ो, पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ाई में ही ज़िंदगी है। अरे स्कूल आसाम में मॉल में पहला बुक स्टोर हम लोग का ही है, भवानी स्टोर मॉल में फर्स्ट है। और दूसरा स्कूल में नहीं, आप लोग आने से इंग्लिश को सारा बुक्स इंग्लिश को नया टाइप अराइवल जो जो आता है सब कुछ हम लोग को यहाँ में मिलेगा। ज़रूर आ जाइए, एक बार देखते जाइए, ज़रूर आओ। हाँ, क्योंकि मॉल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉल में बुक स्टोर है। और थैंक्स टू दादा, आपने पहली बार ऐसा कदम उठाया जिसमें मॉल में बुक स्टोर मिले। अराइवल जितना है या नॉन फिक्शन फिक्शन सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, नॉन फिक्शन फिक्शन आसामीज बुक भी है मेरे पास। आशा करता हूँ कि जो लोग को पढ़ने का कीड़ा है वो लोग जरूर आएंगे यहाँ पे। बुक परचेस करो, पढ़ो, जिन लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है नॉवल वगैरह तो पढ़ सकते हैं आप। आइए सुबह, बाय। कोशिश जारी है दादा, हाँ कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए बस। बाय बाय। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से हम लोग ग्राउंड फ्लोर में चले, तो चलिए वापस चलते हैं। दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते टाइम कब पूरा हो गया पता नहीं चला यार, मतलब इतना खो गया था ब्लॉग बनाने में, ऐसा ही होता है मेरा साथ, पता ही नहीं चलता। Days later. तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.